हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, DSAU की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग तो स्टार्ट हो गई लेकिन आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो स्टूडेंट, नोटिफिकेशन सबके पास आया है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन आ चुका है। हालांकि मैं वीडियो लेट बना रहा हूं क्योंकि मैं CVT की काउंसलिंग देखते देखते मैं इस वीडियो नहीं बना पाया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितने सारे कोर्सेज के लिए कब जाना है। और हाँ, रिजर्व कैटेगरी का एक बड़ा इश्यू आ रहा है, कह रहे हैं लोग रिजर्व कैटेगरी का इसमें दिखा रहा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हर एक कोर्स के बारे में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट है, तो जरा वीडियो को ध्यान से देखना और आज ही वीडियो को देख लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि कल से ही काउंसलिंग स्टार्ट है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इस तरीके से कुछ ईमेल भी आ रहे हैं स्टूडेंट के पास। ये मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने भेजा है मुझे, तो इस तरीके से एक ईमेल भी आ रहा है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम सारा का सारा समझने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन को रीड कीजिए, उससे पहले वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। देखो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो वीडियो देखते देखते, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी देखो यहाँ पर क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। DSAU काउंसलिंग स्केड्यूल फॉर UG प्रोग्राम एक्सेप्ट BSC बैंकिंग फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस, BS कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड BS डिजिटल मार्केटिंग एंड डाटा एनालिसिस। मतलब UG के जितने भी प्रोग्राम है ना, इनको छोड़कर, जो मैंने आपको बताया ये BSC बैंकिंग फाइनेंस को छोड़कर, डाटा एनालिसिस को छोड़कर, जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम है उन सबकी जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब देखो आप लोग कहोगे कि यहाँ पर जो है कब और किसको जाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट, सबसे पहले देखना ध्यान से इस बात को। यहाँ पर इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं। क्या दिया है, रिपोर्टिंग टाइम फॉर बिटवीन, देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम फॉर 1 to 100 रैंक बिटवीन 10 to 11 AM। अब ये देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 1 से लेकर के और 100 तक, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको जो रिपोर्टिंग करना है बिटवीन 10 to 11, मतलब 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में रिपोर्टिंग करना है। और रिपोर्टिंग टाइम फॉर 101 to 200 रैंक बिटवीन 12 PM to 1 PM। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन्होंने जो रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है 1 से लेकर के 100 तक और 100 से लेकर 200 तक, ठीक है, उनको जो है रिपोर्टिंग करना है कब, तो स्टूडेंट उनको रिपोर्टिंग करना है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। अच्छा, आप मन भाई बहुत सारे डाउट होंगे, कोई बात नहीं, वीडियो देखते देखते सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं समझ सकता हूँ आपके क्या क्या डाउट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया है रिपोर्टिंग टाइम फॉर 200 एंड एबव रैंक ऑनवर्ड प्लस विदाउट रैंक स्टूडेंट इफ़ अप्लीकेबल, ठीक है, 2 PM। अभी देखो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि 200 रैंक से ऊपर भी अगर कोई स्टूडेंट है तो वो आ सकता है, या कोई विदाउट रैंक का स्टूडेंट है वो भी आ सकता है इफ़ अप्लीकेबल, अगर वो हो, ठीक है, 2 PM तक उसको बोल रहे हैं कि कॉलेज में विजिट करना है। अब इस बात से आप लोग जो है कन्फ्यूजन में आओगे, ठीक है, चलो इतना तो रैंक समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी वालों ने जो है 2 रैंक तक बुलाया, यानी कि 200 रैंक तक बुलाया है, लेकिन ये क्या मसला है कि रिपोर्टिंग टाइम फॉर ये जो दिया हुआ 200+ स्टूडेंट को, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, अगर आपके रैंक 200 से ज़्यादा हैं, ठीक है, और आप जो कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो काउंसलिंग में, तो भी आप आ सकते हो, ठीक है। अब ये किस केस में वैलिड होगा, किस केस में वैलिड नहीं होगा, अभी मैं नीचे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि यहाँ पर दे रहा है काउंसलिंग स्केड्यूल फॉर द UG प्रोग्राम ऑफ DSAU। तो 30 जुलाई को, आज 30 जुलाई था, तो आज जो है इनकी काउंसलिंग हो चुकी है, ठीक है, इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि ये हमने देखा नहीं। अब देखो 31 जुलाई, यानी कि कल के दिन, यानी कि कल के दिन देखो काउंसलिंग स्केड्यूल फॉर द UG प्रोग्राम DSAU 31 जुलाई 2024, ओके। ये कौन कौन से कोर्स हैं, तो देखो UG डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड वेलनेस, UG डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस ऑपरेटर, UG डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन, UG डिप्लोमा इन स्पोर्ट फिटनेस एंड योगा अप्लीकेंट, UG डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट, BS फैशन डिजाइनिंग, BS इंटीरियर डिजाइन, BA ऑनर्स एंड फाइन आर्ट, BS DMD, BA ऑनर्स स्पेनिश, BS ब्यूटी थेरेपी, ओके। इन सारे कोर्स की जो है, जितने भी मैंने ऊपर बताया आपको, आपके पास जो है रैंक लिस्ट आ गई होगी, ठीक है, या तो आपको एक ईमेल गया होगा। तो 200 रैंक तक वालों को पार्टिसिपेट तो करना है 11 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच में। जो 200 रैंक से ऊपर वाले स्टूडेंट हैं उनको जो है रिपोर्टिंग करना है स्टूडेंट, वो 2 बजे के बाद करना है, ठीक है। कहाँ रिपोर्टिंग करना है आपको, तो भाई परमानंद WSC बिल्डिंग सकरपुर, इस टेली में आपको रिपोर्टिंग करनी है, ओके।
अब काउंसलिंग स्केड्यूल देखो DSU के अदर कोर्स के लिए जितने मेडिकल कोर्सेज हैं, देखिए BS मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फॉर रिजर्व कैटेगरी ओनली, BS डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BS इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, BS हॉस्पिटल फैसिलिटी, डिप्लोमा इन फार्मेसी फॉर रिजर्व कैटेगरी BS हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग कहोगे ये सब क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि ये जो BS डायलिसिस इन टेक्नोलॉजी है, ये जो तीनों कोर्स है ना, और ये BS हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, अगर आपका इन चारों कोर्सेज में से डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट, BS हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, इस चारों कोर्स में अगर कोई भी कोर्स हो तो 200 रैंक तक और उससे ऊपर तक के स्टूडेंट को जाना है, ऊपर जो मैंने स्केड्यूल बताया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ ही साथ आपको जाना कहाँ है, यहाँ पर। अब आप रिजर्व कैटेगरी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, अभी इसके बारे में बात करूँगा, पहले इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है उसको समझो। ठीक है, फिर हम उस पर आएंगे। तो सबसे पहले देखो इन्होंने दे दिया है कि जो वेन्यू है ना वो कहाँ पर है, तो भाई परमानंद DSU सकरपुर कैंपस अपोजिट मधुबन कॉलोनी नियर निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन सकरपुर, यानी कि निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन है उसके पास में ये जो है इनका कैंपस है। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना है, तो कॉपी ऑफ एडमिशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री यानी कि 10th और 12th की मार्कशीट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अथॉरिटी लेटर, समवन इज कमिंग फॉर एडमिशन ऑन योर बिहाफ। देखो अगर कोई और आया होगा आपके बिहाफ पर एडमिशन लेने तो आप लोग ना उसका आधार कार्ड जरूर लेकर के आना स्टूडेंट का। ठीक है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई कैटेगरी होगा तो उसको लेकर के आना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ दे रखा है कि फेलियर टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एडमिशन डॉक्यूमेंट में रिजल्ट में डिले और कैंसिलेशन ऑफ योर एडमिशन। अगर आप लोग कोई भी जहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट नहीं देते हो यूनिवर्सिटी को तो हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे रहे हैं कि रिपोर्टिंग ऑन टाइमली एसेंशियल टू सिक्योर योर सीट, इफ़ यू अराइव लेट यू मे लॉस योर क्लेम टू सीट इन प्रेफरेंस प्रोग्राम। ये कह रहे हैं कि जो भी सीट आपको चाहिए अगर आप लेट होते हो उससे थोड़ा बहुत तो आप लोग जो है क्लेम नहीं कर पाओगे अपने सीट को। ठीक है, उस सीट हो सकता है किसी और को चला जाए। अब यहाँ पर देखो इस रिजर्व कैटेगरी का मतलब क्या होगा। ठीक है, BS मेडिकल लेबोरेटरी साइंस एंड BS डिप्लोमा इन फार्मेसी। रिजर्व कैटेगरी का मतलब ये हुआ जितने भी कैंडिडेट ऐसे होंगे, ठीक है, जो कि OBC कैटेगरी, ठीक है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, EWS कैटेगरी, ठीक है, या PWD कैटेगरी, इन चार कैटेगरी में होता है, इन चारों कैटेगरी से अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू कैन गो फॉर दी काउंसलिंग। ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों को नहीं जाना है काउंसलिंग के लिए। अच्छा, इसमें एक और डाउट होंगे लोगों के कि नॉन दिल्ली के कुछ स्टूडेंट होंगे क्या उनको जाना है क्या। देखिए नॉन दिल्ली में अगर आप लोग OBC के स्टूडेंट हो गए तो आपको नहीं जाना है काउंसलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि OBC की सीट है ही नहीं। ठीक है, जनरल में ही आपका कंसीडर होता है और जनरल की काउंसलिंग हो चुकी है तो आपको जो है नहीं जाना है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ओनली ऑन किसको इसको जाना है, SC कैटेगरी, ठीक है, ST कैटेगरी, OBC जो कि दिल्ली वाले हैं, और EWS और PWD। ठीक है, इन कैटेगरी को जाना है काउंसलिंग के लिए। कब जाना है जी? तो जी हाँ, 1 तारीख को जाना है। तो आई होप कि अब आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अच्छा, आप लोग कहते हो कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो स्टूडेंट देखो जो मुझे लगता है कि रिप्लाई करना चाहिए, ठीक है, या मुझे पता होता है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। जो चीज़ मुझे ही नहीं पता है तो बताओ उसका मैं रिप्लाई कैसे करूँ, नहीं कर पाऊँगा ना। देखो गलती इन्फॉर्मेशन तो दूंगा नहीं आपको, अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो उसको पढ़ने वाले और भी लोग हैं वहाँ पर, ठीक है, कमेंट को, तो उनको भी गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, इसलिए मैं उसका कमेंट करना जो है पढ़ना अवॉइड करता हूँ जो मुझे नहीं पता होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी वीडियोज़ बनानी होती है तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है पर्सनली रिप्लाई करने का। ठीक है, तो इसको आप माइंड मत करना, बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको तो मैं देता ही हूँ आप तक। ठीक है, चलो स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।